एनआरसी और सीए को लेकर बोली भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर, कहा विदेशों में मारे काटे जा रहे हिंदू और अल्पसंख्यक, इसलिए इस कानून की थी आवश्यकता। नए साल पर तेहरा झटका, एपीजे सिलेंडर में 19 रुपये हुआ महंगा, 5 महीने में 140 रुपये का इजाफा। पीएम मोदी ने जनरल बिपिन रावत को बताया शानदार अफसर, बिपिन रावत को बनाया गया पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। शीतलहर से राहत के साथ 2020 का स्वागत, दिल्ली में सर्दी का सितम होगा कम, मौसम विभाग का अनुमान शीतलहर से मिलेगी राहत। वहीं जम्मू कश्मीर के नौशेरा में आतंकियों से मुठभेड़, सेना के 2 जवान शहीद, सेना ने की पूरे इलाके की घेराबंदी। नमस्कार, मध्य प्रदेश की तमाम खबरों में आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं नेशन लाइव, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। खबर सीहोर से, भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एनआरसी और सीए पर कहा है कि विदेशों में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को मारा काटा जा रहा है, इसलिए इस कानून की आवश्यकता थी, उन्हें मानवता के आधार पर अतिथि देवो भव की संस्कृति के तहत देश में वापस बुलाने के लिए सीए एनआरसी कानून लाया गया है। सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिले के ग्राम अहमदपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आई थी, वह अधिनियम को लेकर लोगों को जानकारी देने आई थी। उन्होंने कहा है कि जो हमारे हिंदू भाई विदेशों में मर रहे हैं, कट रहे हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं और अन्य अल्पसंख्यक भाइयों को बुला रहे हैं, उनका भारत में स्वागत करते हैं, इस कानून के लिए माननीय मोदी और अमित शाह का आभार व्यक्त करते हैं। साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि दुनिया के समस्त वो देश जिनमें हिंदू और अल्पसंख्यक निवास करते हैं, उन सभी देशों के हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों को अब प्रताड़ित नहीं होने दिया जाएगा, इसे रोकने के लिए नागरिकता संशोधन कानून को लाया गया है। केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में स्वच्छता सर्वेक्षण की पहली और दूसरी तिमाही के आंकड़े मंगलवार को जारी किए गए, दोनों में इंदौर देशभर के सबसे स्वच्छ शहरों में टॉप पर रहा। इस सर्वेक्षण में पहली तिमाही में भोपाल नंबर 2 पर था, लेकिन दूसरी तिमाही में वह खिसक कर 5वें नंबर पर पहुंच गया। पहली तिमाही में 5वें नंबर पर रहने वाला राजकोट दूसरी तिमाही में छलांग लगाते हुए सीधे नंबर पर पहुंच गया, दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले टॉप 5 शहरों में इंदौर के बाद राजकोट, नवी मुंबई, बड़ौदरा और फिर भोपाल रहा है। महापौर मालिनी गौड़ ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की है, उन्होंने लिखा है कि हमारा इंदौर फिर से नंबर 1 आया है। अब मुख्य परीक्षा की घड़ी भी आने वाली है, 4 से 31 जनवरी 2020 तक स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 चलेगा, हमें उस सर्वेक्षण में भी प्रथम आना है और स्वच्छता का चौका लगाना है। तो वहीं भोपाल में नए साल में सरकार सामान्य वर्ग के आर्थिक कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने के नियमों में बदलाव करने जा रही है। आरक्षण के लिए अब सिर्फ सालाना 8 लाख रुपये आय का प्रमाण पत्र देना होगा, बाकी शर्तें हटा ली जाएंगी। यह बदलाव आरक्षण प्रक्रिया में आ रही जटिलता को दूर करने के लिए किया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय भेज दिया है, इसके लागू होने के बाद आरक्षण के नए नियम अमल में लाए जाएंगे। विभाग ने अड़चने दूर करने के लिए राजस्थान सरकार के जरिए लागू प्रस्ताव का अध्ययन किया, वहां उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 8 लाख रुपए की सालाना आय को ही जरूरी रखा है, बाकी शर्तें हटा दी गई हैं। खबर एमपी के बुरहानपुर से, जहां ठाठर के कालाडोह तालाब से लोदीपुरा तक 10 किलोमीटर लंबी जल संरचना मिली है, इसके साथ 30 कुंडियां भी पाई गई हैं, इनमें से 10 कुंडियां अब भी सही सलामत हैं। इतिहासकारों के अनुसार यह जल संरचना 1396 से 1600 ईस्वी के बीच फारूकी काल की हो सकती है, इस हिसाब से यह 400 साल से भी ज़्यादा पुरानी मुगलकालीन कुंडी भंडारे से भी प्राचीन है। इस धरोहर में को सुरक्षित रखने के लिए अब राज्य पुरातत्व विभाग को इसके संबंध में जानकारी और साक्ष्य दिए जाएंगे। इस जल संरचना की खोज इतिहासविद कमरुद्दीन फलक ने की है, उनके अनुसार बनावट देखकर यह जल संरचना फारूकी काल की मालूम पड़ती है, इस संबंध में अभी और जानकारी जुटाना और जमीनी स्तर पर खोज करना बाकी है, इसको लेकर अभी अपने स्तर पर जुटकर प्रयास कर रहे हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी जुटाकर इसे राज्य पुरातत्व विभाग को सौंपेंगे ताकि इस प्राचीन धरोहर को संरक्षित किया जा सके। खबर इंदौर से, एक दुखद हादसे से उद्योगपति पुनीत अग्रवाल समेत 6 लोगों की मौत से पूरे महू में मातम छाया हुआ है। दरअसल पुनीत अग्रवाल और उनके पोते नव अग्रवाल की शव यात्रा बुधवार को उनके माल रोड स्थित घर से एक साथ निकली, सुबह 11 बजे निकली अंतिम यात्रा, 1.5 घंटे में 3 किलोमीटर दूर गुजर खेड़ा
मुक्ति धाम पर पहुंची, जहां एक ही सैया पर दादा और पोते को एक साथ मुखाग्नि दी गई। वहीं उनकी बेटी पलक और दामाद पलकेश अग्रवाल की शव यात्रा इंदौर के डीबी सिटी निपानिया से दोपहर 3 बजे निकलेगी। हादसे में पलकेश के जीजा गौरव और उनके बेटे आर्यवीर की भी मौत हो गई थी। बढ़ते हैं आगे खबर भोपाल से। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड 2020 इस बार मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में 19, 20 और 21 मार्च को होने जा रहा है। इसकी तैयारी हो गई है, इसे बीच क्राफ्ट संस्था आयोजित करेगी। प्रस्तावित तिथि में एक दिन के इधर उधर होने की संभावना है, क्योंकि मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बात के प्रयास कर रहे हैं कि एक दिन का प्रोग्राम भोपाल में भी हो जाए। इस पर सहमति बनते ही तारीख तय हो जाएगी। इससे पहले यह तय हुआ था कि 3 दिन के आईफा अवार्ड समारोह में 2 दिन इंदौर, एक दिन आयोजन भोपाल में होगा, लेकिन करीब 4000 अतिथियों के भोपाल में रुकने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण पूरा समारोह इंदौर में करने पर तकरीबन राय बन गई है। मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने बताया कि 19 से 21 मार्च के आयोजन को लेकर तमाम तैयारियों पर नए साल में काम शुरू हो जाएगा। 10 दिन बाद कार्यक्रम का आयोजन करने वाली संस्था के लोग मुख्यमंत्री ने मुलाकात करेंगे। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ मध्य प्रदेश की तमाम खबरों में इतना ही। आप देखते रहे नेशन लाइव। नमस्कार।